কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাম করলে থসরে টেনশন আরে কাম করলে থসরে টেনশন জব অফিসার বনকে তে করবে ধমাল ये कैसे होगा सर वेलकम टू कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। जो हमारी सीरीज चल रही है टॉप एमसीक्यू सीरीज, उस टॉप एमसीक्यू सीरीज का आज चौथा सेशन है, चौथी क्लास है। इसमें हम जो चर्चा कर रहे हैं वह है भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास को हमने अलग अलग भागों में बांटा, और उसमें सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं वह है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत इस श्रृंखला में, जैसे कि टॉप एमसीक्यू सीरीज का जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य के मुताबिक आपको प्रश्न के साथ साथ संपूर्ण सिलेबस कराना एक मकसद रखा गया है, और आपको संपूर्ण सिलेबस कराया भी जाएगा। ठीक। इसके अलावा अगर छात्रों के मन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है, कोई शंका है, तो वह आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन के जो भी छात्रों के जो प्रश्न हैं उसके जवाब लाइव के माध्यम से, जो हर सैटरडे होगा, उस लाइव के माध्यम से आपके प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। इसके अलावा भी कहीं अगर कुछ आपके मन में डाउट रह जाते हैं तो उस लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं। क्लियर। अब जैसे कि आपको आज के जो सब्जेक्ट के टॉपिक हैं या भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं बता दूं, और आज हम क्या क्या चीज़ों की चर्चा प्रश्नों के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे उसे भी पहले हम देख लेते हैं। तो जैसे कि टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल, महाजनपद काल की जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो ये महाजनपद काल वह समय है जब वैदिक काल समाप्त हो गया था। वैदिक काल समाप्त होने के बाद महाजनपद काल की शुरुआत होती है, और इसी महाजनपद काल में ही धार्मिक आंदोलन होते हैं जिसमें नए धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिसे हमने पिछली कक्षा में देखा। इसी जैन धर्म बौद्ध धर्म का जब विकास हो रहा था तो भारत में राजनीतिक विकास भी हमें देखने को मिला। पॉलिटिक्स, राजनीति, और ये राजनीति शुरू होनी इसलिए भी हुई क्योंकि अब समानता का भाव समाप्त होने लगा है, अब लोगों के पास पैसा आने लगा है, और पैसा आने लगा तो कुछ लोग उसमें से मुखिया बनकर निकल रहे हैं, और मुखिया ही क्या कहला रहे हैं, राजा कहला रहे हैं। ठीक। इसी क्रम में जब हम देखते हैं तो पहले छोटे छोटे गांवों का निर्माण हुआ, छोटे छोटे गांव मिलकर जनपद बने, और जनपद से मिलकर एक महाजनपद का निर्माण होता है, महाजनपद का। और ऐसे जब 16 महाजनपदों का निर्माण होता है तब उन्हीं 16 महाजनपदों को हम लोग यहां पढ़ते हैं। इन्हीं 16 महाजनपदों में एक मगध महाजनपद भी होगा। उस मगध महाजनपद में हम जानेंगे कैसे वहां पर एक शक्तिशाली राजवंश की स्थापना होगी जो होगा मौर्य वंश। ये भी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजों पर हम लोग जाने वाले हैं, कौन कौन सी चीजों की चर्चा होगी, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इस महाजनपद काल में सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से राजवंश या डायनेस्टी, राजवंश या डायनेस्टीज यहां पर शासन करेंगी, और इस राजवंश का क्या यहां पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जो राजवंश आएंगे उस राजवंश में सबसे पहले हम देखेंगे एक हर्यक वंश आएगा।
हरियक वंश। सबसे पहले हम जिस वंश के बारे में जानेंगे वह होगा हरियक वंश। हरियक वंश के बाद अगला जो वंश हम देखेंगे वह होगा शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश। तीसरा जो होगा वो होगा नंद वंश, और नंद वंश के बाद जिस पर हमें पहुंचना है, जिस वंश को बहुत अच्छे से जानने का प्रयास करना है वो है मौर्य वंश। क्लियर? तो महाजनपद काल में जैसे मैंने बोला राजनीतिक विकास होगा, राजनीति किनकी किनकी होगी उसे हम लोग देखेंगे, हरियक वंश के बारे में जानेंगे, शिशुनाग के बारे में जानेंगे और नंद और मौर्य के बारे में जानेंगे। क्लियर है? इसके अलावा जब यहां महाजनपद काल में हम जब देखते हैं तो यहां पर 16 महाजनपद भी हमें देखने मिलेंगे। तो जो शुरुआत होगी उसमें सबसे पहले हम जानेंगे 16 महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपद के बारे में हम जानेंगे। तो हम शुरुआत करें महाजनपद काल की और जानें कौन कौन से महाजनपद हुए और कौन सी उनकी राजधानियां हुई, क्योंकि पहला प्रश्न आपका यहीं पर ही बनता है। ठीक? तो ये 16 महाजनपद जो हैं, इनकी जानकारी हमें मिलती कहां है और किन पुस्तकों में या किन ग्रंथों में इनकी जानकारी? तो हमें जो इनकी जानकारी मिली इन 16 महाजनपदों की, 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलेगी वह मिलेगी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। साथ ही साथ जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 16 महाजनपदों के बारे में, इन 16 महाजनपदों के क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे और ये 16 महाजनपदों की राजधानियां क्या क्या थी उसे भी हम लोग जानेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं 16 महाजनपदों में, एक मैप हम लोग ले लेते हैं और समझते हैं ये 16 महाजनपद के बारे में। चलिए, अगर मैं सबसे पहले एक महाजनपद की बात करूं जो सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध रहा शिक्षा के मामले में और आज भी हम जानते हैं प्राचीन शिक्षा के केंद्र के रूप में, और उसका नाम है गांधार, गांधार। और इस गांधार महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला, तक्षशिला। क्लियर? तो एक महाजनपद गांधार जिसकी कैपिटल तक्षशिला। अगला महाजनपद है हमारे पास कंबोज, कंबोज जिसकी राजधानी थी हाटक, हाटक। जो पहले मैं लिख रहा हूं वह है महाजनपद और जो बाद में डैश करके मैं लिख रहा हूं वह क्या है उसकी राजधानी, और जिस क्षेत्र की बात हो रही वो क्या है पाकिस्तान का क्षेत्र। बिल्कुल ऐसे ही आप समझते जाइए, मैपिंग में आपको बताते जा रहा हूं मैं। गांधार कैपिटल तक्षशिला, कंबोज कैपिटल हाटक। फिर आते हैं हम राजस्थान की तरफ, राजस्थान की तरफ। राजस्थान में हम आएंगे तो पड़ेगा मत्स्य, मत्स्य जिसकी राजधानी थी विराट नगर, विराट नगर। राजस्थान में हम आएंगे तो क्या मिलेगा हमें मत्स्य, विराट नगर। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि कुछ कलर्स आपको सो नहीं हो रहेंगे, तो यहां कलर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक? इसके बाद यहां हम आते हैं दिल्ली में, दिल्ली जिसे हम कुरु के नाम से जानते थे, और एक महाजनपद भी होता था कुरु। इस कुरु महाजनपद की
कैपिटल हमें मिलती है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की कैपिटल। इसके अलावा हम देखें इस स्थान पर उत्तर प्रदेश के पास एक महाजनपद मिलेगा जिसका नाम था सूरसेन, सूरसेन और इसकी कैपिटल थी मथुरा। सूरसेन कैपिटल, राजधानी मथुरा। इसके बाद इसी उत्तर प्रदेश के पास हम आए तो यहां पर हमें मिलेगा एक क्षेत्र जिसका नाम है वत्स, यह भी एक महाजनपद है और वत्स की कैपिटल है कौसाम्बी, कौसाम्बी, वत्स कैपिटल कौसाम्बी। एक महाजनपद इसी क्षेत्र में जिसका नाम है चेदी, चेदी। इस चेदी महाजनपद की कैपिटल थी सुक्तिमती, सुक्तिमती। और जहां तक अगर आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास पहले कभी अगर पढ़ा होगा या थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो कहा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ है इसी चेदी महाजनपद के अंतर्गत आया करता था और इसी चेदी का नाम बदलकर हुआ चेदीसगढ़ और वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है वह चेदीसगढ़ का ही अपभ्रंश है, यानी उसी नाम से बना है। क्लियर? तो चेदी का कैपिटल सुक्तिमती। यही हम आ जाए तो एक और आपको मिलेगा महाजनपद जिसका नाम है पांचाल, पांचाल। और पांचाल का कैपिटल हमें मिलेगी, राजधानी मिलेगी जिसका नाम है अहिछत्र, अहिछत्र या कांपिल्य, अहिछत्र या कांपिल्य। क्लियर है? इसी उत्तर प्रदेश में हम अगर देखें तो एक और महाजनपद मिलेगा, इसे हम कहेंगे कोसल, कोसल जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती, अयोध्या, श्रावस्ती। क्लियर है? कोसल की राजधानी श्रावस्ती। यही हम अगर आ जाए एक जगह पड़ेगा उत्तर प्रदेश में ही, वह है मल्ल, मल्ल जिसकी राजधानी है कुशीनगर, कुशीनगर। कई छात्रों को लग रहा होगा ये क्या ये 16 के 16 महाजनपद के नाम याद रखने जरूरी है, तो मैं उनको बता देना चाहूं इससे प्रश्न सीजीपीएससी में 2 से 3 बार आ चुके हैं और अन्य परीक्षाओं में भी आपको दिखेंगे। 16 महाजनपद में आपको हमेशा महाजनपद के नाम दे देगा और राजधानी पूछेगा, इसलिए अनिवार्य रूप से महाजनपद काल जब भी आप पढ़ें या उसकी शुरुआत करें तो आप इन 16 महाजनपदों को पढ़ लें और 16 महाजनपद की राजधानियां भी याद रखें। क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र काशी में, और काशी भी एक क्या थी? महाजनपद। ठीक, तो यहां पर आते हैं हम लोग काशी, काशी। और इस काशी महाजनपद की कैपिटल है वाराणसी, वाराणसी। क्लियर है? ठीक, चलिए और कुछ महाजनपद है हमारे पास, यहां तक हो गया आपके पास काशी, वाराणसी। ठीक, ये जितने भी आपको क्षेत्र देखने मिले कुरु को छोड़कर मोस्टली आपके उत्तर प्रदेश में ही आपको मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्र। ठीक, चलिए अब हम लोग देखें अगर हम बढ़े बिहार की तरफ, बिहार में अब अगर हम बिहार की तरफ जाएं तो बिहार में हमें 3 महाजनपद देखने को मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बिहार के, बिहार के महाजनपदों की अगर बात करूं तो एक महाजनपद मिलेगा वज्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली। ठीक, वज्जी के बाद आ जाइए आप अंग, अंग राजधानी चंपा, अंग राजधानी चंपा। और अगला है मगध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बारे में तो जानना है, मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगृह, राजगृह या गिरिव्रज, राजगृह या गिरिव्रज।
क्लियर है, मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर या गिरिवज। यहां तक ये हो गया आपका बिहार का एरिया। इसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में हमें मिलेगा एक महाजनपद जिसका नाम है अवंती। अवंती कैपिटल उज्जैन, अवंती कैपिटल उज्जैन। और लास्ट महाराष्ट्र की तरफ एक महाजनपद जिसका नाम है असमक, असमक राजधानी पोटन, राजधानी पोटन। क्लियर है यहां तक चीजें आपको? ठीक, एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं आपको। ठीक, गांधार राजधानी तक्षशिला, कंबोज कैपिटल हाटक, मत्स्य विराटनगर राजस्थान में, कुरु इंद्रप्रस्थ, वत्स कौशाम्बी, चेदी सुक्तिमती, पांचाल अहिछत्र या कांपिल्य, कोसल कोसल श्रावस्ती, मल्ल कुशीनगर, काशी वाराणसी, वज्जी वैशाली, अंग चंपा, मगध राजगिरी या गिरिवज। और इसके अलावा असमक का कैपिटल पोटन और अवंती की राजधानी या कैपिटल उज्जैन। ऐसे करके हमारे पास कुल 16 महाजनपद हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, मगध साम्राज्य की राजधानी के बारे में जैसे मैंने चर्चा की कि भाई मगध का जो राजधानी था राजगिरी, और साथ ही साथ गिरिव्रज हमें देखने को मिलता है, और आगे चलकर पाटलिपुत्र भी राजधानी बन जाती है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में हमें देखने को मिलती है। पाटलिपुत्र, क्लियर है? पाटलिपुत्र जब राजधानी बनती है तो उसके क्षेत्र संबंधित आपको यहां पर क्वेश्चन किया गया है। ध्यान से पढ़िए, पाटलिपुत्र के बारे में जो लोकेशन दिया गया है कि पूरब में गंगा, उत्तर में चंपा नदी से घिरा था, या उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन नदी, दक्षिण में विंध्य या पूरब में गंगा, या दक्षिण में विंध्य पर्वत, पश्चिम में चंपा नदी। क्लियर है? तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं देखूं जो पाटलिपुत्र शहर बसाया गया था, आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा राजा ने बसाया, सब चीजें पढ़ेंगे, एक एक चीजों को हम पढ़ेंगे, जानेंगे राजाओं के बारे में कौन किस शहर को बसा रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या मिल रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी हम देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, उसमें बताया गया कि गंगा और सोन पश्चिम में, उत्तर में गंगा और पश्चिम में सोन नदी के बीच में स्थित था पाटलिपुत्र। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि गंगा और सोन नदी के संगम में बसा हुआ था क्या पाटलिपुत्र। ठीक, क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था? आगे अभी हम लोग देखेंगे, परंतु अगर आप अभी अगर लाइव पढ़ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक, जो भी बच्चे सही जवाब देंगे उनका नाम अगली क्लास में लिया जाएगा, या सैटरडे लाइव को मैं बताऊंगा कि किन किन छात्रों ने यहां पर सही जवाब दिया था। ठीक, तो यहां पर देखिए, तो इसका भी सही जवाब क्या होगा, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ क्षेत्र था। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम जो 16 महाजनपद के बारे में जान रहे थे उसे आगे बढ़ते हैं, और उन 16 महाजनपदों में हम जानेंगे कि कौन सा महाजनपद था, कौन से महाजनपद था जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं भाई, शुरुआत किए ही हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, फिर से एक मैप ले लें हम, क्योंकि मैप में समझने में हमें दिक्कत नहीं होती। ठीक, अगर हम देखें तो यहां पर बिहार में मैंने एक महाजनपद का नाम लिखा था, वह है मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज। तो यहां पर इन 16 महाजनपदों में, जितने अभी आपने 16 महाजनपद देखे, उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा हुआ, तो मगध महाजनपद हुआ। मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के भी कारण हैं, कोई भी महाजनपद
ऐसे ही शक्तिशाली नहीं हुआ, है ना भाई। अन्य महाजनपदों में भी तो राजा रहे होंगे, परंतु मगध महाजनपद ही क्यों, तो कुछ थोड़े बहुत कारण जान लेते हैं। चलिए, तो मगध महाजनपद की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली विशेषता ये थी कि ये नदियों के किनारे गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था। नदियां यहां पर आसपास बहती थी और नदियों के कारण यहां की भूमि क्या थी, उपजाऊ थी। यहां की भूमि क्या थी, उपजाऊ थी। उपजाऊ होने के कारण फसल अच्छी होती थी, कृषि में उत्पादन अच्छा होता था। और कृषि में उत्पादन अच्छा होगा तो किसान को अभी कभी ऋण माफी योजना या कहीं पर कुछ बोनस देना इस प्रकार का कुछ नहीं पड़ेगा। किसान अपने आप में ही खुद समृद्ध होता है और राजा जितना भी टैक्स मांगना चाहेगा ना किसान से, किसान खुशी खुशी देने को तैयार होगा क्योंकि उत्पादन अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छा है। तो यहां पर जो राजा को कर या जो टैक्स है वह अधिक मिला करता था। ठीक, लाइन से समझते जाइए पॉइंट को। मैं क्या बता रहा हूं, मगध महाजनपद ही क्यों पड़ रहे, क्यों समृद्ध था, इसको जान लें। तो नदियों के किनारा होना, उपजाऊ क्षेत्र होना, कृषि उत्पादन ज्यादा होना और कृषि उत्पादन के कारण टैक्स अत्यधिक मिलना। और टैक्स अगर अत्यधिक राजा को मिलेगा तो राजा क्या रखेगा अपने पास, हथियार या वेपन्स। ठीक है, हथियार या वेपन्स। अगर हम आज भारत की भी अगर बात करें तो भारत में हम अगर सही समय पर इनकम टैक्स पे कर देते हैं, कर दे देते हैं गवर्नमेंट को, तो उस कर का उपयोग गवर्नमेंट कुछ रक्षा सौदों में लगाएगा, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा और नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके अपने राज्य की सुरक्षा पर वह ध्यान देगा। वही मामला था मगध में भी। मगध के भी राजाओं ने उत्तम किस्म के हथियार रखे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। हथियारों के साथ साथ सेना को देने के लिए इनके पास वेतन होता था और सेना जो है बढ़ चढ़कर युद्ध में भाग लेती थी और साम्राज्य का विस्तार, मगध साम्राज्य का विस्तार होता गया। इसके सामने कोई भी महाजनपद टिक नहीं पाया। तो इन्हीं कुछ विशेषताओं के कारण मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। क्लियर है यहां तक चीजें? हम लोग बिल्कुल शुरुआती चीजें मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आते जाए और क्यों क्या है वो सब कारण भी आपको मिलते हैं। चलिए, एक प्रश्न, जैसे मैंने बताया आपको क्या क्वेश्चन किया जाएगा उस पर एक एग्जांपल। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, मगध की, वज्जी की, कोसल की या अंग की? तो यहां पर करेक्ट आंसर, जैसे कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा 16 महाजनपदों के बारे में, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा क्या, अंग की राजधानी चंपा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा वज्जी की कैपिटल वैशाली, कोसल की श्रावस्ती और मगध की गिरिव्रज या राजगृह। ठीक, कई छात्रों के मन में आ रहा होगा, सर दो दो कैपिटल का है बताते हो भाई, एक तो राजधानी वाला महाजनपद नहीं था क्या? अरे था भाई, एक ही राजधानी वाला था। राजधानी क्या है, परिवर्तित भी होती है। भारत की भी राजधानी कोलकाता पहले थी, कलकत्ता से दिल्ली आई, तो इस प्रकार से स्थानांतरित होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, तो गिरिव्रज और राजगिरी की अगर मैं बात करता हूं मगध में, तो राजगिरी पहले राजधानी थी, बाद में गिरिव्रज बनी और उसके बाद में आगे चलकर नई राजधानी और क्या बनी, पाटली पुत्र बनी। चलिए, अगला जो पॉइंट हम देख रहे हैं, जैसे हम कमी देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग डिटेल भी करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन डील कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ सब चीजों को डील कर रहे हैं। अब यहां पर हमने देखा कि मगध साम्राज्य की स्थापना हो गई। अब इस मगध साम्राज्य में आने वाले डायनेस्टीज या राजवंशों के बारे में समझते हैं कि कौन कौन से राजवंश यहां पर शासन करेंगे। ठीक, तो यहां मगध साम्राज्य की जब स्थापना हुई तो
इसमें सबसे पहला जो राजवंश मैंने बताया था वह राजवंश होगा हरियक, हरियक डायनेस्टी या हरियक वंश, हरियक डायनेस्टी या हरियक वंश। अब ये जो जवाब है कि मगध साम्राज्य में आने वाला पहला वंश जो है हरियक वंश, यह है इतिहास के अनुसार, परंतु पुराणों और महाभारत को हम अगर पढ़ें तो वहां पर भी मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक, और वहां पर जानकारी मिलती है कि भाई ये मगध साम्राज्य जो है उसका पहला राजवंश हुआ बृहद्रथ वंश। क्या था? बृहद्रथ वंश। तो पुराणों के अनुसार, याद रखिएगा, कभी आपको पूछे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, अगर आपको पूछे पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य में पहला राजवंश कौन सा आया, तो आप बताएंगे बृहद्रथ, बृहद्रथ, ठीक। यह राजवंश महाभारत में हमको देखने मिला। महाभारत में आप कभी अगर महाभारत ध्यान से देखे होंगे तो आपको एक जरासंध नाम के राजा की जानकारी मिली। इस जरासंध की लड़ाई, एक भीषण युद्ध होता है, किसके साथ? भीम के साथ, भीम के साथ। और भीम और जरासंध की लड़ाई में भीम विजयी तो होता है, परंतु जब जब वो जरासंध को मारने का प्रयास करता था, जरासंध की मृत्यु नहीं होती, जरासंध की मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि जब जब उसके शरीर को दो टुकड़ों में वो बांटता था, उसका शरीर फिर से दो टुकड़ों को जुड़ जाता था। और यही श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, भीम की, और भीम की मदद करते हुए उन्होंने जो इशारा किया, उसके बाद भीम को समझ में आया कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। और उस जरासंध को उसने जब दो टुकड़ों में बांटा, तो बांटने के बाद उसने उन्हें उल्टी दिशा में फेंक दिया, और उल्टी दिशा में फेंकने के बाद जरासंध की मौत हुई। तो यही पुराणों में इस जरासंध का नाम मिलता है कि यह बृहद्रथ वंश का एक राजा था, और यह बृहद्रथ वंश पहला मगध का साम्राज्य हुआ। क्लियर है? तो कभी आपको पुराणों के अनुसार पूछे तो आप बताएंगे बृहद्रथ वंश, और कभी आपको इतिहास के अनुसार पूछे तो आप बताएंगे हरियक वंश, सबसे पहला वंश जो मगध साम्राज्य में शासन करेगा। इस हरियक वंश की अगर मैं बात करूं तो हरियक वंश जो शासन करता है वह करता है 545 ईसा पूर्व से लेकर 412 बीसी या ईसा पूर्व तक, ठीक। देखिए ये समय जो है ना, ये समय आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि 545 से 412 तक शासन किया क्या, ऐसा कोई एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा। ये हम लोग जो लिखते हैं ना, या आप पुस्तकों में आप जो पढ़ते हैं, वो इसलिए दिया रहता है ताकि आप कालखंड को समझ पाए, कालखंड को यानी किस समय की बात हो रही है, ठीक, इसीलिए इसको जानना पड़ता है। और याद कौन सा करना है इस चीज को मैं बताऊंगा विशेष रूप से आपको, कि भाई आपको कौन से वर्ष याद करने, कौन से ईयर याद करने, क्योंकि इतिहास को खोलते ही या इतिहास को पढ़ते ही, वही मैंने कहा था ना पहली क्लास में, कि आपके मन में वही डाउट आने चाहिए, अब तो याद करना पड़ेगा वर्ष पे वर्ष, ईयर पे ईयर, साल पे साल याद करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको पता नहीं होता कि याद कौन सी चीजें करनी है, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने बताया 545 412, ये मैंने बस शासन काल के रूप में बताया कि इस टाइम पीरियड में शासन होगा, वरना इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपको रटना पड़े, ठीक। चलिए, हरियक वंश में जो सबसे पहले राजा हमको देखने मिलेंगे जिसने यहां पर शासन किया, वह था बिंबिसार, पहला राजा हरियक वंश का बिंबिसार, ठीक, बिंबिसार, याद रखिएगा बिंबिसार। बिंबिसार की अगर मैं बात करूं तो यह था पहला राजा, और इसका एक टाइटल था, इसे कहा जाता था श्रेणिक, श्रेणिक बिंबिसार को, बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता था। चलिए, इसके अलावा बिंबिसार को हम देखें तो यह मगध साम्राज्य में हरियक वंश का पहला राजा है, और पहला राजा होने के नाते
इन पर साम्राज्य विस्तार करने का अच्छा खासा दबाव है, यानी इनको क्या करना है, अपने किंगडम को एक्सपांड करना है, फैलाना है। तो इन्होंने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, फैलाने के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई, जिसे हम त्रय नीति या तीन पॉलिसी के रूप में, तीन नीतियों के रूप में जानते हैं। तो इनकी नीतियां कौन कौन सी थी, तो यहां पर हमको देखने मिलेगा कि सबसे पहली जो इन्होंने नीति अपनाई थी, पॉलिसी अपनाई थी, वह अपनाई थी विवाह की। विवाह या अपने आसपास के राजाओं की पुत्रियों से विवाह करता था और विवाह करने के बाद उनका क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिला लेता था। इस प्रकार की एक नीति। विवाह के अलावा अगर यहां पर बात नहीं बनी, अरे भाई किसी के यहां लड़की नहीं है तो कैसे करेगा भाई, है जबरन कैसे विवाह कर लेगा। तो विवाह की नीति अगर सफल नहीं हुई तो वह क्या करता था, राजा से मित्रता का प्रयास करता था, मित्रता दोस्ती, और मित्रता नहीं बनी तो वह करता था युद्ध। ठीक है, युद्ध करता था। इसी क्रम में हमें जानकारी मिलती है कि इनकी तीन पत्नियां हुई, यानी इन्होंने तीन विवाह किए थे। ऐसे तो विवाह इन्होंने बहुत सारे किए थे, बट हम जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं पत्नियों के नाम याद रख रहे हैं। तो जो पहली पत्नी हुई बिंबिसार की, वो हुई महाकोसला देवी, कोसल की राजकुमारी महाकोसला देवी। तो सबसे पहली पत्नी उसका नाम है महाकोसला देवी कोसल के राजा प्रसेनजीत की बहन या सिस्टर। ठीक है, अगली है चिलन्ना। ये चिलन्ना या चेलना जो है, एक गणराज्य जिसका नाम हमने जैन धर्म के समय पढ़ा था और जहां पर महात्मा महावीर जैन की जो माता है वो उसी गणराज्य से आई थी, और वह गणराज्य था लिच्छवी गणराज्य। तो चिलन्ना जो थी लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। क्लियर है, लिच्छवी किंगडम की यहां पर वो राजकुमारी। तीसरी है छेमा, यह थी मद्र नरेश की पुत्री। मद्र यानी वर्तमान का पंजाब का क्षेत्र, पंजाब के क्षेत्र में मद्र पड़ेगा। तो मद्र नरेश की पुत्री बेटी जिसका नाम क्या है, छेमा। क्लियर है, तो महाकोसला देवी, चिलन्ना और छेमा, ये तीन उनकी पत्नियां थी, जिसमें चिलन्ना इन्हीं का बेटा होगा अजात शत्रु, जो अगला शासक बनेगा। चिलन्ना का बेटा कौन है, अजात शत्रु। क्लियर है। अब जैसे जैसे समय बढ़ा तो यहां पर इन्होंने पहली नीति अपनाई विवाह की, और अगली नीति दिखती हमें मित्रता की। मित्रता तो इन्होंने मित्र किसे बनाया, तो कहा जाता है जब मगध महाजनपद अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, राजा जब विस्तार कर रहे थे तो अवंती के राजा को इन्होंने हराने का प्रयास किया। ठीक, परंतु अवंती के राजा को पराजित नहीं कर पाए और उनका साम्राज्य नहीं मिला पाए। अब एक बार ऐसा हुआ कि अवंती के राजा चंड प्रद्योत बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद अवंती के आसपास जितने भी वैद्य थे उनका इलाज करने लगे। इलाज कर करके हर कोई वैद्य क्या हो गया, थक गया, फिर भी इलाज नहीं हो पाया। अंततः मगध महाजनपद से राजा बिंबिसार ने बड़ा दिन दिखाते हुए मित्रता का एक प्रस्ताव के रूप में अपने वैद्य
जिनका नाम था जीवक, जीवक नाम के वैद्य को उन्होंने भेजा और जीवक वैद्य ने अवंती के राजा चंड प्रद्योत का इलाज कर दिया और चंड प्रद्योत ठीक हो गया। ठीक, तो इस प्रकार मगध के राजा बिंबिसार ने मित्रता का क्रम बढ़ाया और अवंती के राजा से दोस्ती कर ली। तो यहां पर क्या पॉइंट बताया मैंने कि मित्र के रूप में इन्हें कौन मिला, अवंती का राजा, अवंती के राजा चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत का इलाज जीवक नाम के वैद्य ने किया, जीवक नाम के वैद्य ने किया। क्लियर है, ये जीवक वाला प्रश्न आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछेगा अवंती के राजा चंड प्रद्योत का इलाज किसने किया, तो आप बताएंगे जीवक ने किया। ठीक है, समझते जाइए। बिल्कुल मेरी कोशिश है कि आपको जो राजाओं ने जो कार्य किए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल आपको बताई जाए और कैसे प्रश्न संभावित यहां से निकल सकते हैं वो भी आपको बताया जाए संभावित। ठीक है, आगे यहां से प्रश्न बन सकता है कौन से वैद्य ने इनका इलाज किया था। ठीक, चलिए अगर हम इनके समय को देख रहे हैं, बिंबिसार के समय को, तो बिंबिसार के समय में महात्मा बुद्ध जीवित थे और महात्मा बुद्ध जीवित होने के कारण इनकी अच्छी खासी मित्रता थी बिंबिसार से। तो बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को उनके विहार बनाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए बेलवन उद्यान उपहार स्वरूप दिया। ठीक है, याद रखेंगे अगला पॉइंट कि महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को बिंबिसार ने एक उद्यान गिफ्ट किया था जिसका नाम है बेलवन उद्यान, बेलवन उद्यान। क्लियर है क्या? बिल्कुल ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रयास है जितनी चीजें हो पाए, है ना, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें जहां से प्रश्न बनते हैं वो आपको यहां पर दिए जाए। क्लियर है, चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो बिंबिसार है, बिंबिसार राजा के रूप में शासन कर रहे थे और उनका जो टाइम पीरियड हमें मिलता है 545 से 400, उनका जो टाइम पीरियड हमें मिलेगा वह मिलेगा हमें 545 से 492 तक। ठीक, अब यहां पर होता क्या है, जब कोई राजा बहुत लंबे समय तक शासन करता है, ठीक है, बार 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 बार, मान लो जैसे प्रधानमंत्री मोदी ही प्रधानमंत्री बनने लगे, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक ही राजा अगर आपको दिख रहे हैं या एक ही प्रधानमंत्री बार बार दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत यहां पर विरोध दिखता है। वैसे ही यहां पर जो इतने वर्षों से 50-60 सालों से जो राज कर रहे थे बिंबिसार, इनके खिलाफ इनके पुत्र अजात शत्रु ने एक प्रयास किया। अजात शत्रु अपनी मम्मी के पास जाता है, इनकी मम्मी कौन, चिलन्ना, अजात शत्रु की माता चिलन्ना, चिलन्ना के पास जाकर बोलने लगा अजात शत्रु, ये पापा जो है ना बैठे हुए शासन में हट ही नहीं रहे, कितने साल शासन करेंगे भाई, 70 साल का बुढ़ा गया साहब राजा, है ना, हटना चाहिए, मुझे बैठाना चाहिए, पीएससी का भी, सीजीपीएससी का भी एक उम्र है, 40 के बाद कोई तैयारी कर सकता है कि? वैसी ये भी बेचारा परेशान है अजात शत्रु भी, ये भी बोल रहा है कब तक इंतजार करूं, मुझे भी तो चाहिए पोस्ट या पद, उसके लिए डीसी की पोस्ट राजा का पद है, आपके लिए डीसी का पोस्ट है आपके लिए। क्लियर है, तो यहां पर ये बेचारा बहुत परेशान है अजात शत्रु, और अजात शत्रु का समाधान उसकी माता के द्वारा नहीं मिल पाए, और एक रात अजात शत्रु ने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दी। तो यहां पर मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार की मौत हुई और
अगला राजा जो बना वह बना अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर अजात शत्रु को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इसके साथ क्या घटना है हमें देखने के लिए। ठीक, यहां पर एक क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया। ठीक, पहले गणतंत्र के बारे में कभी भी आपको पूछे, ठीक, तो वो गणतंत्र है आपका लिच्छवी। पहले गणतंत्र के बारे में कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप बताएंगे लिच्छवी। लिच्छवी एक गणतंत्र था, यहां पर राजा का शासन ना होकर वहां पर एक संस्था का शासन था, जिस कारण से लिच्छवी जाना जाता है, एक रिपब्लिक था। क्लियर है। चलिए अगला है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, पुत्र द्वारा मारा गया। ठीक है, क्लियर है। देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशा। प्रारंभिक शासक के बारे में पूछा है, प्रारंभिक राजा कौन था, बिंबिसार, और पूछा जा रहा है कि वह कौन था जो अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। तो यहां पर अपने पुत्र के द्वारा मारा जाने वाला कौन है बताइए आप। चार ऑप्शन है आपके पास, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदशा। ये चारों क्रम में है राजा, ठीक है, बताइए इसका आंसर। तो यहां पर अपने पिता की हत्या करने वाला जो शासक था वह है अजातशत्रु। अभी मैंने आपको बताया अजातशत्रु के बारे में। ठीक, तो पहला मगध साम्राज्य में शासन करने वाला शासन कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आएगा और अजातशत्रु के बाद उदयन आएगा। अभी के लिए करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, अजातशत्रु। ये हैं आपके शासक जो हरियक वंश से संबंध रखते हैं, हरियक वंश। ठीक है, तो हरियक वंश की कहानी हम आगे बढ़ाएं। पहला राजा हो गया बिंबिसार, दूसरा चल रहा था अजातशत्रु। ठीक, चलिए दूसरे शासक अजातशत्रु के बारे में हम जाने, तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और पिता की हत्या कर शासन में आया, इसीलिए अजातशत्रु को कुणिक कहा गया, कुणिक, कुणिक कहा गया। अगला जो है, अजातशत्रु ने वज्जी या वैशाली के साथ युद्ध में दो नए हथियारों का प्रयोग किया, दो नए हथियारों का प्रयोग किया। ठीक, बाहुबली मूवी सब देखे, मैं बाहुबली शपथ लेता कि मैं माहिष्मती साम्राज्य की सुरक्षा करूं, और उसी मूवी में आपने कुछ हथियार देखे थे। ठीक, एक बल्लाल देव चला रहा था, एक बाहुबली चलाया था। बल्लाल देव का वो गाड़ी याद है, इस प्रकार का एक गाड़ी था उसके पास, एक घोड़ा था सामने, एक इस प्रकार का औजार लगा था, क्लियर है, और एक इस प्रकार का गुलेल नुमा हथियार आपने देखा था उस मूवी में बाहुबली। इसी दो नए हथियारों का प्रयोग किया था किसने, अजातशत्रु ने वज्जी वैशाली के साथ युद्ध में। इसमें यह एक हथियार है जिसे हम कहेंगे महाशिला कंटक, इस हथियार को हम कहेंगे, पहला एक हथियार है महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला हथियार। इसके अलावा एक दूसरा जो दिख रहा है आपको हथियार, यह है रथ मूसल। तो दोनों ही हथियारों को लॉन्च करने वाला भारत का पहला साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट बोल सकते है ना, दो नए नए हथियार लेके आ गए। प्रेजेंट टाइम में पिक्चर में अगर इस हथियार का उपयोग किया जा रहा है तो मजाक बात नहीं है, है ना। इतिहास ने बहुत कुछ सिखाया है और मूवी वालों को भी, पिक्चर वालों को भी बहुत कुछ दिया है। आजकल जो इतिहास पर मूवी बन रही है वही सुपर ड्यूपर हिट है भाई, है ना। इतिहास में बहुत कुछ है जानने, और अच्छी बात भी है कि इतिहास को पर्दे के माध्यम से
पिक्चर के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है ताकि आपकी समझ भी बढ़ रही है। और आप भी थोड़ा वहां पर देखें तो जब देखते हैं तो वहां पर बिल्कुल कला संस्कृति की बारीकियों को, उस समय के चीजों को बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। ठीक, साउथ की एक मूवी भी थी पोनियम सेल्वन, PS1 करके नाम से आई थी। आप उस मूवी को देखें तो आपको पता चलेगा कि दक्षिण भारत में किस प्रकार की कला संस्कृति थी, उसको बहुत अच्छे से उसमें दिखाया गया। ठीक, चलिए, तो यह है महाशिला गंडक और रथमुसल, दो नए हथियार। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रख लीजिए अजातशत्रु के मामले में कि इन्हीं के समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुई, प्रथम बौद्ध संगीति हुई। चलिए, अगला एक और राजा हम कवर कर लेते हैं इसी के साथ साथ। अजातशत्रु के बाद अगला जो शासक आया वो आया उदाई। उदाई के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, है ना, इसको खत्म ही कर लेते हैं, और क्या, खत्म कर लेते हैं उदाई। उदाई जो है इसने भी क्या किया, अपने पिता की हत्या की, और पिता की हत्या किया मतलब अजातशत्रु की हत्या की और राजा बन गया। ठीक, उदाई को श्रेय दिया जाता है, एक ही क्वेश्चन याद रखना, उदाई को श्रेय दिया जाता है क्योंकि इसने सोन नदी और गंगा नदी के संगम कॉन्फ्रेंस पे पाटलिपुत्र शहर को बसाया। ठीक, तो यहां पर हम बताएंगे कि सोन नदी व गंगा नदी, सोन नदी व गंगा नदी, गंगा रिवर के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया गया, और यहीं पर क्या हो गई, राजधानी परिवर्तित हो गई, राजधानी परिवर्तित हो गई। क्लियर है बातें, जो जो पॉइंट समझाते जा रहा हूं ध्यान समझते जाइए, सीक्वेंस में भी चीजें चल रही हैं। ठीक, पहला राजा कौन, बिंबिसार, अगला था अजातशत्रु, तीसरा राजा उदाई, और उदाई के बारे में आपको इतना ही जानना है। ठीक, उदाई के बाद इस वंश का आखिरी शासक नागदशक, हरियक वंश का आखिरी शासक नागदशक। ठीक है, तो चारों राजाओं के नाम मैं एक बार फिर से आपको याद करवा दूं। पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है उदाई, और आखिरी है नागदशक। ठीक है, याद रख ली, याद करना जरूरी है क्योंकि अभी राजनीतिक विकास चालू हुआ। ठीक, और जहां हमें पहुंचना है वो है मौर्य, तो मौर्य तक जाने का हमारा सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा। चलिए, इसके बाद एक छोटा सा एक राजवंश आएगा, छोटा सा एक राजवंश जिसे हम कहेंगे शिशु नागवंश। हरियक के बाद आएगा शिशु नागवंश। पहले ही मैंने आपको पूरी क्रोनोलॉजी बता दी है, ठीक है, कि हरियक आएगा, उसके बाद शिशुनाग के बाद नंद आएगा, क्रोनोलॉजी पहले ही मैंने बताया, तो उसको ध्यान रखते हुए चीजों को आप देखेंगे। तो यहां पर शिशुनाग वंश आया, और शिशुनाग में पहला जो राजा हुआ वो खुद शिशुनाग था, उसी के नाम से ही ये वंश बना शिशुनाग। और शिशुनाग ने ही नागदशक की हत्या की, नागदशक की हत्या की और शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसके अलावा यहां पर इसने राजधानी भी परिवर्तित की, इसने पाटलिपुत्र से वैशाली नई राजधानी बनाई, पाटलिपुत्र से न्यू कैपिटल राजधानी कैपिटल बनाई, वैशाली को नहीं कैपिटल बनाई। ठीक, शिशुनाग के बाद अगला एक राजा आएगा जिसका नाम है कालासो, अगला राजा कालासो। कालाशोक की अगर बात करें तो कालाशोक के समय में ही याद होगा आपको द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति, और द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में। याद होगा आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था द्वितीय बौद्ध संगीति कहां होगी, वैशाली में होगी। क्लियर है? ठीक, चलिए, इसके अलावा ये भी
राजधानी परिवर्तित करेगा और वैशाली से पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना देता है। फिर से अगेन वैशाली से पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये हुए दो राजा, कौन कौन? शिशुनाग और कालासो। इसके बाद अगला जो राजा आया वो इस वंश का आखिरी राजा था, जिसका नाम था नंदीवर्धन, ठीक। ये होगा लास्ट रूलर, अंतिम शासक। क्लियर है, ठीक। तो हम जो पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य में, अभी हमने दो डायनेस्टीज के बारे में जान लिया। एक है आपकी कौन सी, पहली थी हर्यक वंश और दूसरी है शिशुनाग। चलिए अब फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। बताइए मगध का कौन सा सम्राट अब परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक और महापद्मानंद। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है महापद्मानंद, ठीक। चलिए देखते हैं अब यहां पर अगला जो वंश आएगा वह वंश है नंद वंश। क्लियर है, नंद वंश। आगे हम लोग नंद वंश पे, हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश, ठीक। नंद वंश में पहला जो संस्थापक हुआ उसका नाम है महापद्मानंद, ठीक। चलिए महापद्मानंद से संबंधित कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, वो है इसकी उपाधि, टाइटल से संबंधित ही इसके प्रश्न बनते हैं, उसको आप ध्यान से समझिए। एक प्राप्त कहानी के अनुसार महापद्मानंद की माता का नाम था पद्मा। माता का नाम क्या था? पद्मा। महापद्मानंद की माता का नाम पद्मा। पद्मा जो थी शूद्र थी और ये एक शूद्र का पुत्र था महापद्मानंद, ठीक। कहा जाता है कि पद्मा का विवाह जिनसे होना था वो थे कालाशोक से इनका विवाह होना था, बट किसी कारणवश इनका विवाह नहीं हो पाया और कालाशोक और पद्मा से जो पुत्र हुआ वो महापद्मानंद था, ठीक। चीजों को समझिए ध्यान से। जब महापद्मानंद बड़ा हुआ, बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में आया, बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद उसको जानकारी होती है कि मेरे जो पिता हैं वो तो कालाशोक है और इन्होंने मेरी माता को नहीं अपनाया और मुझे भी नहीं अपनाया, और इस बात से महापद्मानंद नाराज हुए। और महापद्मानंद ने जब अपनी नाराजगी जाहिर की तो नाराजगी कुछ इस प्रकार से थी, क्योंकि महापद्मानंद क्या था? एक शूद्र था। और कालाशोक क्या था? एक क्षत्रिय। तो जिस प्रकार परशुराम ने याद होगा, परशुराम, तो जिस प्रकार परशुराम ने कसम खाई थी कि मैं इस धरती से सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा, बिल्कुल महापद्मानंद ने भी उसी प्रकार क्षत्रियों के नाश करने की कसम खा ली और उसने क्षत्रियों का नाश किया, जिस कारण से इसे एक टाइटल मिला था, एक उपाधि मिली थी और ये कहलाता था सर्व छत्रांतक। इसके अलावा एक टाइटल जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है अपरशुराम। इसे एक और उपाधि दी गई अपरशुराम। एक टाइटल और याद रख लीजिएगा, जब इसने कलिंग विजय किया, तो यहां पर हम महापद्मानंद की चर्चा कर रहे हैं, महापद्मानंद को एक टाइटल मिला हुआ है
सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक, और एक टाइटल मैंने बताया आप परशुराम। इसके अलावा कलिंग विजय के पश्चात, कलिंग विजय, क्लियर है, तो कलिंग विजय के पश्चात, कलिंग विजय के पश्चात उन्हें एकारट, एकारट की उपाधि मिली कलिंग विजय के पश्चात। डन, यहां तक चीजें ठीक। तो दो तीन टाइटल्स हैं जो आपको महापद्मानंद से संबंधित याद रखने हैं। यही महापद्मानंद का पुत्र हुआ जिसका नाम था घनानंद, घनानंद, ठीक। महापद्मानंद का बेटा कौन? घनानंद। और घनानंद, घनानंद सबसे घमंडी शासक, मगध साम्राज्य में बैठने वाला सबसे घमंडी शासक, जिसे यूनानियों ने, यूनानियों ने उपाधि दी थी अग्रमीज या जेंडरमीज के नाम से इसे कहा था। याद रखिएगा यूनानियों ने क्या कहा था, अग्रमीज और जेंडरमीज। आगे मैं बताऊंगा यूनानी नाम कैसे आ रहा है, अभी आप समझ जाएंगे। तो उस समय बात थी कि 326 ईसा पूर्व की, 326 बीसी ईसा पूर्व, इस समय मगध साम्राज्य पर, इस समय मगध साम्राज्य पर एक आक्रमण होना था, और सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था, इसी के टाइम पीरियड में, ठीक। याद रखेंगे घनानंद सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक। सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट रोमांचक मोड़ पर कहानी आ चुकी है, समझ रहे? मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य में पहला हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, अब आने वाला है मौर्य वंश। इसी को मैंने बोला क्या, एक रोमांचक मोड़ पर कहानी है। चलिए एक क्वेश्चन ले लें पहले। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। कथन है, लगभग दो वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ दिया। कारण यह था कि चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा इसे ऊपर कर ले हम, ये देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। तो यहां पर पहला जो कथन है जिसमें कहा गया है कि 325 ईसा पूर्व में उसने भारत छोड़ दिया, कथन तो सही है। 326 ईसा पूर्व में आया, 325 तक रहा और दो वर्षों के बाद चला गया, परंतु उसने चंद्रगुप्त मौर्य से कोई लड़ाई की इसकी जानकारी नहीं। मतलब आपका कथन तो सही है, कथन सही है, परंतु कारण गलत है। कथन सही है, कारण गलत है, क्लियर है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब ठीक, ये इमेज देख रहे हैं सिकंदर अलेक्जेंडर की, अब इसी की कहानी समझते हैं, क्योंकि यही तो मोड़ लाने वाला है। इसी के कारण एक जो टर्निंग पॉइंट आपको दिखेगा वो कारण यही, ठीक है। चलिए होता क्या है, ध्यान से समझते जाइए, ठीक। ठीक, एक रफ इमेज के माध्यम से हम कुछ चीजें समझेंगे, क्लियर है। चलिए
तो यहां पर ये आपका भारत, और भारत में ये वाला क्षेत्र है मगध का, ये आपका मगध, ठीक। मगध के अलावा यहां गांधार, गांधार कैपिटल, तक्षशिला इस क्षेत्र में। इधर आएंगे तो हमारा एक और क्षेत्र पड़ेगा, ठीक। ये तो ये आपका तक्षशिला, ये आपका मगध। इस तरफ हम अगर आए, ठीक, तो यहां पर एक देश पड़ेगा, ठीक। कहानी को लिंक कीजिएगा, है ना, कहानी लिंक कर रहे हैं, हम लिंक करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। तो यहां एक देश पड़ेगा मैसिडोनिया, या हिंदी में उसे कहते हैं मकदूनिया, मकदूनिया, ठीक। एक छोटा सा एक क्षेत्र था मकदूनिया। मकदूनिया के उस समय राजा थे जिनका नाम था फिलिप द्वितीय। मकदूनिया के राजा का नाम फिलिप द्वितीय, ठीक। यहां लिख लेते हैं मकदूनिया, मकदूनिया के राजा का नाम फिलिप सेकंड, फिलिप सेकंड, फिलिप सेकंड का बेटा हुआ सिकंदर, अलेक्जेंडर, क्लियर है, याद रखना, यही क्या है, अलेक्जेंडर है। और सिकंदर का जन्म होता है 356 बीसी में, 356 ईसा पूर्व में, क्लियर है यहां तक चीजें, 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है, डन। अलेक्जेंडर जो है जन्म से ही महत्वाकांक्षी था, और महत्वाकांक्षी होने का एक कारण भी है। कारण यह था कि इसके जो गुरु थे, गुरु है ना भाई, कारण जो है इनके गुरु थे, गुरु जो थे इनके, उनका नाम है अरस्तु, अरस्तु, ठीक, अरस्तु। और अरस्तु जैसे महान दार्शनिक का अगर कोई शिष्य है तो उसकी सोच भी तो महान होगी, छोटी मोटी नहीं होगी। गुरु का सबसे बड़ा योगदान रहा है, आप पूरे इतिहास को देख रहे हैं और वर्तमान में भी अगर आप गुरु का सम्मान कर रहे हैं तो आपको वह गुरु उस ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां तक आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वही चीजें तो हैं, अरस्तु का शिष्य कौन है, अलेक्जेंडर, सिकंदर। द ग्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने विश्व विजय की कामना रखी, छोटे मोटे, ऐसा नहीं कि मकदूनिया छोटा सा क्षेत्र था, बट इसने पूरे क्षेत्र को जीतने की, अपने आसपास के क्षेत्र को जीतने की, और आगे के साम्राज्य को भी जीतने की कामना, क्लियर है, समझते जाइए। तो यहां अरस्तु का शिष्य हुआ सिकंदर, सिकंदर ने विश्व विजय का अभियान जारी किया, और विश्व विजय के लिए जब वह निकला तो वो सबसे पहले पहुंचता है कहां, तक्षशिला में। कहां पहुंचेगा, तक्षशिला में। तक्षशिला में जब सिकंदर पहुंचता है तो तक्षशिला में उस समय राजा होते हैं आम्भी। तक्षशिला का राजा कौन होता है, आम्भी। और सबसे पहली लड़ाई, सबसे पहली लड़ाई यहां पर सिकंदर की आम्भी से होती है। सिकंदर वर्सेस आम्भी, तक्षशिला का राजा आम्भी। और आम्भी इतना कायर निकला कि वह तक्षशिला के क्षेत्र को छोड़कर भाग गया, भाग गया, और यह पराजित हो गया। तो यहां कौन पराजित हो रहा है, आम्भी। इस प्रकार सिकंदर ने तक्षशिला के क्षेत्र को जीत लिया। जीतने के बाद यह आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद एक दूसरी एक लड़ाई होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई, जिसको एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। दूसरी एक लड़ाई होगी, और ये लड़ाई होती है पुरु के राजा पोरस के साथ। तो दूसरी लड़ाई हो रही है क्या, सिकंदर और पोरस की, सिकंदर और पोरस। पोरस भी अपने क्षेत्र का महान राजा था, इसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं, बोला कितनों भी महान राजा हो सिकंदर, मेरे कोई मतलब नहीं, ठीक है,
आप महान होगे अपने जगह, मैं अपने क्षेत्र को, अपनी धरती को नहीं छोड़ने वाला, ठीक। और सिकंदर और पोरस के बीच में जो भयंकर लड़ाई हुई, वो लड़ाई हुई झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। इस लड़ाई में, झेलम नदी के किनारे होने वाली इस लड़ाई में पोरस पराजित हुआ, परंतु कहा जाता है सिकंदर ने इसकी बहादुरी देखकर, पोरस की बहादुरी देखकर उसका क्षेत्र उसे वापस कर दिया, ठीक। अब यहां पर प्रश्न क्या बनता है, देखिए सिकंदर और पोरस की जो लड़ाई हुई झेलम नदी के किनारे हुई, यहां तक क्लियर है, ठीक। परंतु झेलम को हम वैदिक काल में एक नाम से जानते थे, वह है वितस्ता। यूनानियों ने झेलम को एक नाम दिया था, हाइडेस पीच। तो आपको एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि झेलम का युद्ध या बैटल ऑफ वितस्ता या हाइडेस पीच का बैटल किन दो राजाओं के बीच हुआ। तीन नाम आपको पूछेगा, कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल, मैं ना छोटे छोटे बात बता रहा हूं, ध्यान समझते हैं। झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, हाइडेस पीच का युद्ध, किसके किसके बीच हो रहा है, सिकंदर और पोरस के बीच। क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक। चलिए तो यहां पर क्या हुआ, पोरस को भी इसने हरा दिया, यानी झेलम नदी यहां पार कर गया, ठीक है। चल, जब यह झेलम नदी पार करके आगे बढ़ता है, झेलम नदी जब यह पार करके आगे बढ़ता है, मतलब इसकी नजर कहां है, भारत पर। भारत की ओर जब आगे बढ़ रहा था तो यहां पर क्या है आपका, मगध साम्राज्य है। क्लियर है यहां तक चीज, मगध साम्राज्य यहां पर, और मगध साम्राज्य के अलावा यहां पर क्या है हमारे पास, तक्षशिला है। और सिकंदर जो है यहां आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक। इस तरफ एक नदी पड़ेगी, यहां एक नदी पड़ेगी, वह है व्यास नदी। और व्यास नदी के पास ही सिकंदर 326 ईसा पूर्व में पहुंचता है। व्यास नदी के पास सिकंदर 326 ईसा पूर्व में पहुंचता है। अब देखिए कहानी कैसे मोड़ लेती है, ठीक। सिकंदर को आप यहां पर बैठा लीजिए, मैं दूसरी चीजें बता रहा हूं, उसको ध्यान समझिए, ठीक है। ये जो कहानी है ना, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मौर्य वंश की स्थापना को समझ सके, क्यों हुई, कैसे हुई, वो भी आपको समझना है। वरना बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सिकंदर आया, मगध साम्राज्य के राजा से लड़ाई की और उसने घनानन को पराजित किया, कई लोग ये मानते हैं। उस मिथ्या को तोड़ना चाह रहा हूं, ठीक है, ध्यान समझ। यहां पर कौन आ गया है, अभी आपका सिकंदर आ गया है, यहां पर व्यास नदी के पास आकर बैठा हुआ है। अब देखिए अब मैं बात करने वाला हूं भारत के एक महान गुरु की, जिसका नाम है चाणक्य, जो तक्षशिला के एक आचार्य थे। चाणक्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाणक्य, ठीक। चाणक्य जब तक्षशिला में थे तब उन्होंने देखा कि आम्भी तो कायर निकला और आम्भी ने अपना क्षेत्र समर्पित कर दिया था, और चाणक्य को यह चिंता खाई जा रही थी कि आगे चलकर अगर सिकंदर ने मगध पर आक्रमण किया और मगध को भी जीत लिया तो यह हमारा अखंड स्वतंत्र भारत सिकंदर के अधीन चला जाएगा। इस चिंता को लेकर जो चाणक्य है ये निकल पड़ते हैं कहां, मगध साम्राज्य। और मगध में जाने के बाद वह अपनी चिंता मगध के शासक धनानंद को बताते हैं। धनानंद के सामने जब यह बात की जाती है तो धनानंद इनका बिल्कुल मजाक उड़ाता है कि आप बिल्कुल फालतू बात कर रहे हैं, हमारी जो सेना है आप गिन लीजिए, घुड़सवार, हाथी सवार, पैदल सेना है ना भाई, मगध साम्राज्य छोटा मोटा साम्राज्य नहीं है,
चला आ रहा है बिंबिसार के समय से, अजात शत्रु उदाइन, उठा के देख लीजिए। तो हमको डरने की बात नहीं है गुरु जी, पहले ही बोल दिए। और चाणक्य का अपमान किया उसने, और चाणक्य का इस प्रकार से अपमान किया कि उसकी चोटी पकड़कर जमीन में उसे गिरा दिया। ये ऐसा अपमान अगर कोई भी राजा, कोई भी शिष्य अपने गुरु का अगर कोई अपमान कर दिया, समझ जाइए उस वंश का सर्वनाश होना ही होना है, या उस शिष्य का सर्वनाश होना है, यह आप जान लीजिए। ठीक, और यही होने वाला है अब धनानंद के साथ। धनानंद ने तहसीला के इस महान आचार्य की अपमान कर दिया। अब चाणक्य जो है उसने तो अपना प्रयास किया था मगध के साम्राज्य को समझाने का, परंतु मगध के साम्राज्य को, राजा को ये बात समझ नहीं आई। अब उनको तो था कि भाई मगध को सुरक्षित करना है और सिकंदर को भी यहां पर रोकना है। तो कहा जाता है कि चाणक्य ने उस समय इस व्यास नदी में जहर मिला दिया था। एक ऐसी कहानी मिलती है कि चाणक्य ने क्या किया था, इस नदी में जहर मिला दिया, क्योंकि इस नदी के पास सिकंदर और उसके सैनिक रुके हुए थे। ठीक, इस जहर को पीने से कुछ समय पश्चात सिकंदर की भी डेथ हुई और इसके कुछ सैनिकों की भी मृत्यु हो गई थी। यह कहानी मिलती है। दूसरी कहानी यह मिलती है कि सिकंदर जो है व्यास नदी में जब पहुंचा तो इस स्थान पर उसके सैनिकों ने हार मान ली। सिकंदर के सैनिक जो है हार मान गए और सिकंदर के सैनिकों ने कहा कि मगध साम्राज्य की बड़ी सेना है, हम नहीं लड़ सकते। और जो मन से ही हार गया, तन से तो वो लोग थके हारे थे ही, बट मन से भी हार चुके थे, जिसे सिकंदर के बार बार प्रयास करने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाए। और सिकंदर की सेना आगे ना बढ़ने के कारण ये यहां से वापस चले गए। और सिकंदर जब कुछ बचे कुछ सैनिकों के साथ वापस जा रहा था तो सिकंदर की मृत्यु इराक के बेबीलोन नामक शहर में हो गई। साथ ही साथ याद रखेंगे इनका एक प्रिय घोड़ा भी था जिसका नाम था बुका फेला। ठीक है, तो याद रखिए। तो यहां पे इराक के एक शहर बेबीलोन में सिकंदर की डेथ हो गई जब वो यहां से वापस चला गया। ठीक, 325 ईसा पूर्व में वापस चला जाएगा और इसकी आगे चलकर डेथ हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर सिकंदर का तो काम खत्म हो गया। मतलब हम यह कह सकते हैं कि चाणक्य की एक चिंता जो थी कि सिकंदर यहां प्रवेश करेगा, वह प्रवेश नहीं कर पाया, ना कोई युद्ध हुआ ना कुछ। परंतु यहां पर आप देखिए दूसरा जो टारगेट है चाणक्य का वह है धनानंद यहां पर शासन कर रहा है और धनानंद को यहां से हटाना था। तो धनानंद को हटाने के लिए जब एक बार चाणक्य जंगल में जा रहे होते हैं तो उन्हें एक छोटा एक बालक मिलता है और उस बालक की नेतृत्व क्षमता और कुशलता देखकर चाणक्य ने उस बालक को अपने साथ ले ली और अपने साथ ले जाकर तक्षशिला में उसे धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या सब चीज सिखाई और बड़ा करके लेकर आया धनानंद के सामने और धनानंद की उस बालक ने हत्या कर दी। वह बालक जो था जिसे शस्त्र विद्या दी गई थी वही बालक कहलाया चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य जो है उसकी माता का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम कहा जाता है मूरा था, उसी मूरा नाम से इसका नाम पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या की और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी मौर्य वंश की स्थापना हो गई। ठीक, तो कहानी तो बहुत लंबी है ना, ज्यादा हम ले जा नहीं सकते, थोड़ी कुछ चीजों को समेटना था, मौर्य वंश को स्थापित भी करना था, वो स्थापना हो गई। चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं, आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित राजवंशों को स्थापित कीजिए, तो कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया इसके बता दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको सबसे पहला राजवंश मिलेगा वह है हरियक वंश, उसके बाद हम देखे थे नंद वंश, उसके बाद तीसरे में मौर्य वंश और चौथे में आपको शुंग वंश देखने मिलेगा। तो बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। कूटो को चुनिए कहा है व्यवस्थित क्रम में, तो आपके पास है 2 4 3 एक से ये ठीक। यहां पर सही कूटो को चुनिए पूछा है, कौन सा क्रम सही है उसे बताइए। देखिए चलिए, सबसे पहले हरियक वंश आएगा, हरियक के बाद नंद वंश, नंद के बाद मौर्य वंश और मौर्य के बाद सुंग वंश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखिए बताइए, विच ऑप्शन आर करेक्ट ध्यान से बताइए आप। ठीक, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, तो यहां पर है हमारे पास पहला है 4 4 1 3 2, तो 4 1 3 2 कहां पर मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में, 4 1 3 2 आपका करेक्ट होगा। ठीक चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर को झेलम नदी के तट पर रोका था। अभी हमने पूरी कहानी समझी और मैंने बताया था कि पुरु का राजा पोरस जिसने झेलम नदी के तट पर सिकंदर को रोका और उससे युद्ध किया। इसके अलावा मैंने इस युद्ध का भी नाम बताया था, झेलम या विदस्ता या हाइड स्पीच, आपको ऐसा पूछेगा। ठीक है, तो अब जो जो चीजें पढ़ लिए हैं उस पर कुछ प्रश्न भी हैं, ध्यान से देखते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, भारत नहीं आया था। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक, तो सिकंदर जब अपनी सेना लेकर आया था तो उसमें नियारकस उनके साथ थे, एनेक्सिस्टिकिस। जब सिकंदर अपने साथ भारत आया था तो उसमें नियारकस था, एनेसिट्रस था, इसके अलावा एरिस्टोबुलस भी था, डायमिकस इसमें नहीं था, डायमिकस। ठीक, आगे चलकर अभी हम लोग जानेंगे एक सेल्यूकस निकेटर भी आया था, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे सेल्यूकस निकेटर के बारे में। ठीक है चलिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे मौर्य वंश के बारे में तो विशाखगुप्त के मुद्रा राक्षस में आपको इसकी जानकारी मिलती है और वही आंसर क्या होगा करेक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राक्षस में इसकी चर्चा की गई है। ठीक, यहां पर यह है सुद्रक, पॉइजन में लिखा है ये वाला होगा विशाखदत्त, यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले इसे कर लेंगे विशाखदत्त और यहां पर होगा अश्वघोष। ठीक चल, अगला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, शासन सिद्धांतों की पुस्तिका है। ठीक, तो याद रखिएगा कौटिल्य की एक महान पुस्तक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक, अर्थशास्त्र में नाम तो अर्थशास्त्र है तो ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक्स की बुक है, बट इसमें जो चर्चा की गई है वह की गई है राजनीति की, पूरी राजनीति, पॉलिटिकल जीवन के बारे में, राजा को कैसे राज करना चाहिए, ये सब चीजें बात बताई गई है। तो यहां पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, कि शासन सिद्धांतों की पुस्तक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, शासन सिद्धांतों की ये क्या है, एक पुस्तक है। क्लियर है। सैंडोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, सैंडोकोट्स के रूप में। ठीक, तो यहां पर जब चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी हमें मिलती है तो अलग अलग नाम से चंद्रगुप्त मौर्य जाना गया था, जिसमें यूनानियों ने उसे सैंडोकोट्स भी कहा था, जिसमें जस्टिन ने तो सबसे पहले देखा कि सैंडोकोट्स से लिखा मिला, बट एक्चुअल में पहचान करने वाला जो व्यक्ति था वह था विलियम जोन्स,
जिसने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही क्या है, सैंड्रो कोर्स है। यह बताने वाला व्यक्ति विलियम जोन्स ही था। ठीक, अगला है, किस अभिलेख से चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, उसकी जानकारी मिलती है। पश्चिम भारत यानी कि गुजरात की तरफ की बात कर रहे हैं, और गुजरात में जब हम जाएं तो वहां पर हमें मिलता है रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। अब ये जूनागढ़ शिलालेख जानकारी क्या देता है, इसे समझ। जूनागढ़ शिलालेख की अगर मैं बात करूं तो यह पड़ता है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र यानी कि हम बात कर रहे हैं कहां की, गुजरात की। सौराष्ट्र मतलब बात हो रही गुजरात की, और इस गुजरात में, गुजरात के सौराष्ट्र में हम यहां पर देखते हैं जूनागढ़ शिलालेख से एक जानकारी मिलती है एक झील की, और उस झील का नाम था सुदर्शन झील। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने इस झील का निर्माण किया था, सुदर्शन झील का। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। रुद्रदमन के इस जूनागढ़ शिलालेख में हमको जानकारी मिलती है कि सौराष्ट्र गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण किया था, और आदेश देने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीयों का उल्लेख है, दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। ठीक, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक कौन था उसे जानते हैं, और अशोक का शासन की शुरुआत कैसे हुई उसे हम लोग समझते चलते। ठीक, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा। तो यहां पर सबसे पहला मौर्य वंश का जो शासक हुआ वह था चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरे क्रम में था बिंदुसार, तीसरे क्रम में हमें मिलेंगे अशोक। ठीक है, मौर्य वंश के तीन इंपॉर्टेंट, तीन महान राजा जिनको याद रखना है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ चीजें मैंने बता दी थी कि कैसे उसकी स्थापना हुई थी, क्या चीजें हुई थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखेंगे आप, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में यानी 298 ईसा पूर्व में इन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया, और जैन धर्म ग्रहण करने के पश्चात संलेखना विधि से अपना जीवन त्याग दिया, संलेखना विधि से। और उस समय जिनको इन्होंने अपना गुरु बनाया था वह थे भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया, और भद्रबाहु के साथ ही ये जहां पर अपना जीवन त्यागे थे वह स्थान था श्रवण बेलगोला। इस स्थान पर इन्होंने अपना जीवन त्यागा था। याद होगा आपको भद्रबाहु के बारे में, जो कर्नाटक की तरफ गए थे, तो उन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गया था और अपने दीन जीवन को त्याग दिया। ठीक, इस पॉइंट को भी थोड़ा ध्यान रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला जो शासक आया था वह था बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा यह जिस संप्रदाय को फॉलो करता था वह था
आजीवक संप्रदाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। अमित्रघात अन्य नाम, आजीवक संप्रदाय जिसे बिंदुसार फॉलो करता था। ठीक है, यहां पर आपको देखने मिला चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अलग धर्म जैन धर्म ग्रहण किया, उसके पुत्र बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय ग्रहण किया। ठीक, और आगे चलकर आप अशोक के बारे में देखेंगे कि ये जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमें जानकारी मिलती है अशोक के टाइम में कि अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, वो ये चाहते थे कि उनका जो बड़ा बेटा है सुसीम वो राजा बने, परंतु यहां पर अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की और यहां पर राजा बन गया। तो यहां पर अशोक का अगर शासन हम देखें तो अशोक जो है 273 ईसा पूर्व से यह 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है। ठीक, अशोक का नाम अगर आप ध्यान से देखें तो इसके नाम में छुपा हुआ है बिना शोक के, विदाउट सौरो, यानी इसे कोई दुख नहीं है, जीवन कोई दुख नहीं है, विदाउट सौरो, बिना दुख के। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में यह भी बताया जाता है कि अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या तो की, इसके अलावा इसने 99 भाइयों की, इसके 99 भाई थे उनकी भी हत्या की। इसी कारण से उसे 4 वर्ष लग गए राज्याभिषेक करने में, और इसका राज्याभिषेक अशोक का, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, यहां से भी प्रश्न बनते हैं, अशोक का जो राज्याभिषेक होगा वह होगा 269 ईसा पूर्व में, 269 बीसी में, ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक होगा। ठीक, क्लियर पॉइंट। अब अशोक जब राजा बनता है तो उनके विवाह भी होते हैं और उनकी दो पत्नियों की जानकारी मिलती है। ठीक, अशोक की दो पत्नियां, एक पत्नी का नाम था देवी जो विदिशा की राजकुमारी थी, और इस देवी से इन्हें 2 बेटे थे, एक बेटी और एक बेटा थे, एक का नाम था महेंद्र और एक का नाम था संगमित्रा, महेंद्र और संगमित्रा। ठीक, महेंद्र और संगमित्रा को इन्होंने आगे चलकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यहां पर एक प्रश्न बनता है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ था, तो यह अशोक के द्वारा हुआ था, अशोक ने महेंद्र और संगमित्रा को भेजा था। ठीक, चलिए, देवी के अलावा एक और इनकी पत्नी थी जिनका नाम था कारुवाकी, कारुवाकी, और कारुवाकी का पुत्र था तीवर, तीवर। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, देवी जो विदिशा की राजकुमारी थी, महेंद्र और संगमित्रा, कारुवाकी के बारे में कहा जाता है कि यह कलिंग की राजकुमारी थी, ऐसा एक कहानी हमें मिलता है। ठीक, कलिंग की राजकुमारी है ऐसा कहा गया है। चलिए अगले कुछ प्रश्न को देखते हैं, उसी अनुसार फिर हम लोग और आगे डिटेल को देखेंगे। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो यहां पर 3 जो अधिकारी हैं, रज्जुक, युक्तक और प्रादेशक, ये 3 अधिकारी थे, अग्रहारी नाम से कोई अधिकारी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए। क्लियर है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अब ये 3 अधिकारियों की बात करें तो अशोक के तृतीय शिलालेख में
हमको इसकी जानकारी मिलती है कि अशोक ने तीन अधिकारियों की नियुक्ति की थी, तीन अधिकारियों की नियुक्ति की थी, इसकी जानकारी मिलेगी। तीन अधिकारियों की नियुक्ति अशोक ने की थी और वही तीन अधिकारी हैं, रज्जुक, युक्तक और प्रादेशक, इनकी नियुक्ति की थी और ये अधिकारी नहीं था। क्लियर है? तो यहां पर आपको अगला क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि रज्जुक, युक्तक, प्रादेशक के बारे में जानकारी हमें अशोक के किस शिलालेख में मिलती है, तो आप बताएंगे तृतीय शिलालेख में। ठीक, चलिए। इसके अलावा शिलालेख से संबंधित एक प्रश्न और था हमारे पास, जिसमें पूछा गया है कि अशोक ने दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख किस में किया है, तो यहां पर इसका आंसर होगा द्वितीय शिलालेख में। तृतीय में तो रज्जुक, युक्तक, प्रादेशक के बारे में बताया गया है और तृतीय शिलालेख में जानकारी दी गई है, द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारत के चोल, पांड्य और साती पुत्र, केरल पुत्र, ऐसे दक्षिण राज्यों की जानकारी हमें मिली है। इसके अलावा पहले शिलालेख में अगर देखें अशोक के, तो यहां पर अहिंसा या पशु बलि, एनिमल सेक्रीफाइस, पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा की गई है। क्लियर है यहां तक पॉइंट? ये वाला आपको पहले वाले में मिलेगा। नौवें में भी एक पॉइंट है, नौवें शिलालेख में कहा है अशोक ने कि हम देखते हैं कि राज्य में जो त्योहार हैं, तो त्योहार में बहुत सारी हमारे पैसे खर्चे हो जाते हैं, और इसी पर अशोक ने जोर देते हुए कहा कि मैं अपने राज्य में जो छोटे मोटे त्योहार हैं उसे प्रतिबंध लगाता हूं ताकि लोगों के पास सेविंग्स ज्यादा हो। बड़े त्योहार मनाइए, होली मनाइए, दिवाली मनाइए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु अगर कोई छोटे मोटे जो त्योहार हैं उस पर उसने प्रतिबंध लगाया था, यह बात नवा शिलालेख में लिखा हुआ। क्लियर है? तो चार शिलालेखों की विस्तृत चर्चा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक का रुग्णदेही स्तंभ किन से संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से या शरीर त्याग से? तो याद रखिएगा, जो रुग्णदेही स्तंभ है, रुग्णदेही स्तंभ, तो यह जो संबंध रखता है बुद्ध के जन्म से, क्योंकि रुग्णदेही स्तंभ जो है लुम्बिनी नेपाल में आपको मिलेगा, लुम्बिनी नेपाल में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, इस स्तंभ की खासियत यह है कि यह सबसे छोटा शिलालेख है, और इसके अलावा इसी रुग्णदेही स्तंभ में अशोक ने कुछ बातें लिखी हैं, क्योंकि अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के कुछ समय पश्चात इस जगह पर विजिट करता है, यात्रा करता है, तो यात्रा करने के बाद वहां पर उसको कुछ बिंदु नोट करता है, नोट करवाता है, और वो बताता है कि मैंने जन्म स्थान को, महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान के क्षेत्र को कर मुक्त कर दिया है, कर मुक्त। तो यहां पे कर संबंधी, कर मुक्त किया गया क्षेत्र कौन सा था? इनके जन्म स्थान का क्षेत्र, और कुछ स्थान पर, लुम्बिनी के कुछ स्थान पर इसने कर को, जो हाई बहुत ज्यादा टैक्स लिए जा रहे थे, उसे भी इसने कम किया। ठीक, तो आपको एक प्रश्न यहां पर, एक और प्रश्न बनेगा, जितनी भी चीजें बता रहा हूं आप नोट करते चलिए। रुग्णदेही संबंध स्तंभ से संबंधित आपको एक और चीज पूछी जाएगी कि भाई इस स्तंभ में, इसके अलावा आपको पूछेगा कि पहला और एकमात्र इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था से संबंधित स्तंभ कौन सा था, तो आप बताएंगे रुग्णदेही था। क्लियर है चीजें? ठीक, अगला है सार्थवा किसे कहते हैं? सार्थवा, ये अधिकारियों की बात हो रही है, मौर्य प्रशासन में जो अधिकारी थे उनकी बात हो रही है, तो बताइए सार्थवा किसे कहते हैं? क्लियर, तो सार्थवा जो है व्यापारी के काफिलों को कहते हैं, कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट। ठीक, इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र में मिलेगी, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक,
याद रखिएगा, एक और एक पॉइंट मैं आपको यहां पर नोट करवा दूं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वह 15 अधिकरणों में बटा हुआ था, 15 अधिकरण में यानी चैप्टर्स में बटा हुआ था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, 15 अधिकरण में, लेसन्स में, अध्यायों में बटा हुआ था। ठीक है, कभी आपको पूछे तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस अर्थशास्त्र में ही आपको मौर्य वंश की बहुत सारी जानकारी मिलती है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कथन कारण वाला फिर से। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था और भू अनुदान के विरुद्ध में कृषकों ने विद्रोह किया था। कथन को देखिए और कारण को बताइए। ऐसे प्रश्न, जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, ऐसे संभावित प्रश्न अब आगे चलकर पूछने के संभावना है, तो आप इन प्रकार के प्रश्नों की भी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक, तो यहां पर मौर्य शासकों ने, कथन में देखिए, मौर्य शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। देखिए धार्मिक आधार पर मौर्य शासन ऐसा था कि भू अनुदान तो नहीं दिए गए थे, और भू अनुदान आपको सातवाहन वंश में देखने मिले धार्मिक आधार। ठीक, तो यहां पर कथन तो हमारा करेक्ट है, और भू अनुदान के विरुद्ध में कृषकों ने विद्रोह किया था इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती, तो हमारा कारण क्या है, गलत है। तो यहां पर कथन ए सही है, परंतु आर जो है गलत है, कारण जो है गलत है। ठीक, मौर्य काल में एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई नामक अधिकारी किससे संबंध रखता था? तो यहां पर एग्रोनोमोई की अगर हम बात कर रहे हैं तो एग्रोनोमोई का जो संबंध था वह था मार्ग निर्माण से, मार्ग निर्माण से। यानी एग्रोनोमोई वह अधिकारी था जो व्यापार के लिए, बिजनेस, व्यापार, मर्चेंट्स के लिए जो गाड़ियां जाती थी उनके लिए एक व्यवस्थित मार्ग का निर्माण करने का काम करता था, यह था एग्रोनोमोई। क्लियर, ठीक। तो यहां पर हमने जो हमारे प्रश्न थे उसको हमने देख लिया। इसके अलावा अशोक से संबंधित कुछ बिंदुए मैं आपको बता दूं जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो हम महाजनपद काल में मौर्य वंश में पहुंच चुके हैं, और मौर्य वंश में जब हम देखते हैं एक महान शासक के बारे में, जो महान शासक है अशोक, इसकी चर्चा पूरी किए बगैर ये मौर्य वंश या महाजनपद काल समाप्त नहीं हो सकता। तो अशोक के बारे में जैसे मैंने बताया था आपको कि अशोक का जो शासन है 273 BC से लेकर 232 BC तक हमें देखने को मिलेगा। इसी के समय में हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर 269 BC में अपना राज्य अभिषेक करवाया। और राज्य अभिषेक के पश्चात जो जानकारी मिलती है कि इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अपनी पूरी सेना चारों दिशाओं में लगा दी, चारों दिशाओं में। उस समय तक हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो बहुत सारे क्षेत्र जीत लिए थे, और एक क्षेत्र जो बचा हुआ था वह था कलिंग का क्षेत्र। कलिंग, कलिंग के क्षेत्र को जीतने के लिए इस बार अशोक अपनी पूरी तैयारी करके बढ़ता है, और अपने राज्य अभिषेक के आठवें वर्ष में इसने कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग पर आक्रमण करके, अटैक करके उसने जो भीषण नरसंहार किया, जो लोगों की हत्याएं की, ना उसमें बूढ़े बचे, ना महिलाएं बची, ना बच्चे बचे, ना युवतियां बची, हर किसी को वह खत्म करता चला, उसके सैनिक मारते चले। कहा तो यह भी जाता है कि उस कलिंग क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं वो भी लाल हो गई थी, खून से, रक्त से लाल होती हुई दिखी। तो इसी बात को अशोक ने उस समय जब युद्ध के पश्चात कलिंग पर अटैक करने के बाद जब वो कलिंग में जाता है और क्षेत्र में घूमता है, तो घूमते घूमते वह देखता है कि आसपास इतनी हत्याएं हो गई हैं और रक्तपात हुआ है। इन सब चीजों को देखकर उसका हृदय पसीज जाता है, और वह जो हिंसा को अपना ढाल बनाए चल रहा था, हिंसा के मार्ग पर चल रहा था,
उस हिंसा के मार्ग को त्यागता है और त्यागने के पश्चात अपने भतीजे निग्रोध की सलाह पर अपने भतीजे निग्रोध की सलाह पर बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लेता है। ठीक, तो कलिंग अटैक ऐसा एक अटैक था, आक्रमण था, जिसके बाद अशोक ने शस्त्र त्याग दिए और शस्त्र त्यागने के बाद वह एक नए मार्ग पर चल पड़ा जो धर्म का मार्ग था। अब इस मार्ग में चलने के पश्चात अशोक ने जीवन में जो कार्य किए उसके कारण अशोक महान कहलाया। अभी आपको पता चलेगा कि अशोक महान क्यों बना, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो अशोक के महानता की जानकारी या मौर्य काल में भी जो चीजें हुई उसकी जानकारी हमें जो मिलती है वो मिलती है शिलालेखों से, अशोक के अभिलेखों से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जानना है वो है अशोक के अभिलेख। तो आगे हम बढ़ते हैं, अशोक के अभिलेख के बारे में जानते हैं। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों की अगर बात करें तो हमें अशोक के शिलालेख रॉक एडिक्ट, इसके अलावा अशोक के स्तंभलेख पिलर एडिक्ट, साथ ही साथ गुहा लेख, केव एडिक्ट हमें मिलते हैं। गुहा लेख, केव एडिक्ट मिलते हैं। ठीक, इन शिलालेखों में, स्तंभलेखों में, गुहा लेखों में अशोक की पूरी जानकारी हमें मिलती है। इसी में अशोक ने बताया कि वह कैसे धम्म के मार्ग में चल के जनता की सेवा करना चाहता है, जनता की भलाई करना चाहता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन शिलालेखों या ये शिलालेख भारत में हमें कहां कहां मिले और भारत के बाहर हमें कहां मिले। ठीक, तो देखते हैं, चलिए। इन अभिलेखों की भाषा की अगर बात करें, अभिलेखों में जिन भाषाओं का, लिपियों का प्रयोग हुआ, उसमें सबसे पहली लिपि है ब्राह्मी लिपि। दूसरे नंबर पर है खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। दूसरे नंबर पर है खरोष्ठी। इसके अलावा ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हमें देखने को अशोक के शिलालेखों में मिलता है। जब अशोक के शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं, तो शुरुआती दौर में कहा जाता है कि इसे टिफेंथल नाम के व्यक्ति ने खोजा था। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, शिलालेखों को, अभिलेखों को खोजने का कार्य 1750 में टिफेंथलर ने किया, परंतु यह अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में नाकाम रहा, जिसके पश्चात वर्ष 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने
जेम्स प्रिंसेप ने इसे समझा। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, मैंने दो पॉइंट बताए, शिलालेखों को खोजने का काम टिफेंथलर किया, पढ़ नहीं पाया, और जेम्स प्रिंसेप ने समझने का प्रयास किया और समझ गया कि ये कौन कौन सी लिपियों में लिखा हुआ है, भाषाओं में लिखा हुआ है। और ये कार्य हुआ था 1837 में, 1837 में। क्लियर है चीजें? ठीक। अब हम अगर भारत का एक मैप बनाकर देख लें, भारत का एक मैप बनाकर हम देखें कि कौन कौन से स्थानों पर कौन कौन से अभिलेख हमको मिलते हैं, तो उसकी एक जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं, एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान का एक स्थान जिसे हम कहते हैं शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी। अगला स्थान है मानसहरा, अगला स्थान है मानसहरा। तीसरा एक स्थान है कांधार का, शेर ए कुन्हा या कांधार अभिलेख, कांधार। क्लियर है? शाहबाजगढ़ी, मानसहरा, शेरे कुन्हा। यहां पर अगर इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो जो शाहबाजगढ़ी और मानसहरा आपको दिख रहा है, ये जो है खरुष्ठी लिपि में लिखी गई है, खरुष्ठी। साथ ही साथ पहली द्विभाषी, दो भाषाओं में, दो लैंग्वेज में द्विभाषी मिलेगी हमें, ग्रीक और अरमाइक में, ग्रीक और अरमाइक भाषा में, वह है शेर ए कुन्हा, ग्रीक और अरमाइक में। ध्यान रखिए, ग्रीक और अरमाइक में, शेर ए कुन्हा, शाहबाजगढ़ी, मानसहरा, खरुष्ठी लिपि। वर्तमान में खरुष्ठी उर्दू के रूप में आपको देखने को मिलती है, इसके भी लिखने के तरीके बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उर्दू के हैं। ठीक। इसके बाद हम आते हैं भारत में, भारत में जितने भी आपको मिलेंगे वह ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे, अशोक के अभिलेख। तो सबसे पहले हमारे पास है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में एक स्थान जिसका नाम है कालसी, कालसी, उत्तराखंड का कालसी। उत्तर प्रदेश में जब हम आए तो यहां पर मिलेगा आपको सह गौरा, सह गौरा, यह मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। बंगाल में अगर हम आए, बंगाल में, तो बंगाल में एक अभिलेख मिला, उसे कहेंगे महास्थान, महास्थान। बंगाल में एक प्रश्न स्थान से संबंधित आपको पूछेगा, मैं अशोक के अभिलेख को लोकेट कर रहा हूं कहां कहां पर क्या क्या मिले हैं, तो महास्थान मिला है बंगाल में। उड़ीसा की तरफ हम आए, उड़ीसा में, तो उड़ीसा में दो हमें मिलेंगे, एक है उड़ीसा में धौली और एक है जौगढ़, धौली और जौगढ़ उड़ीसा में, ये आपको कहां मिलेंगे, उड़ीसा में। क्लियर है? ठीक। कर्नाटक की तरफ हम आए, कर्नाटक में, तो कर्नाटक में एक जगह मिलेगा हमें मास्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मास्की, कर्नाटक में। एक स्थान हमें महाराष्ट्र की तरफ जिसका नाम है सोपारा, कलर अलग कर लेते हैं हम लोग, यहां पर एक स्थान मिलेगा हमें सोपारा, ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सोपारा। यहां आए होंगे हम लोग आंध्र प्रदेश में, तो एक जगह मिलेगी एर्रागुड़ी, एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश में। इस जगह पर आएंगे हम लोग राजस्थान में, तो राजस्थान में हमें मिलेगा भबरूगढ़, भबरूगढ़।
बबरूगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में हमें मिलेगा गुर्जरा, गुर्जरा, क्लियर है। तो ये कुछ अभिलेख हैं अशोक के जो आपको अलग अलग स्थानों पर मिले, भारत में जो मिले वो ब्राह्मी लिपि में, और भारत के बाहर आपको खरुष्ठी ग्रीक अरमाइक में मिले, क्लियर है। इतनी चीजों को बिल्कुल आप ध्यान से रखें, यहां से एक प्रश्न बनता है, ठीक। ये हो गए अशोक के अभिलेख। अब अगर हम लोग बढ़े आगे तो अशोक के स्तंभ लेख की चर्चा कर लेते हैं। अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के पिलर एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, अशोक के अगर पिलर एडिक्ट की हम बात करें, पिलर एडिक्ट की, तो पिलर एडिक्ट में कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि यह सात थे, कुल सात स्तंभ लेख थे, जिसमें वर्तमान में हमारे पास छह ही उपलब्ध हैं। तो जानते हैं उन छह के बारे में, छह स्तंभ लेख के बारे में जानते हैं। पहला है हमारे पास टोपरा, और एक है मेरठ। टोपरा और मेरठ, टोपरा है हरियाणा में और मेरठ है उत्तर प्रदेश में, यहां पर हमें स्तंभ लेख मिले। आगे चलकर अशोक के इन स्तंभ लेखों को, अशोक के इन स्तंभ लेखों को दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में स्थानांतरित कर दी गई, दिल्ली में स्थानांतरित कर दी गई, दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर हम देखें अगर कौशाम्बी अभिलेख, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस अभिलेख की बात करें तो मुगल शासक, मुगल शासक अकबर के द्वारा इसे प्रयाग, प्रयाग में स्थानांतरित कर दिया गया, प्रयाग में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा हम देखें तो इस प्रयाग अभिलेख को, इस प्रयाग अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है, रानी अभिलेख या स्तंभ लेख कहा जाता है, क्योंकि इसमें रानी कारुवाकी का वर्णन है, रानी कारुवाकी का वर्णन है। अगला हम देखें तो एक है बिहार का रामपुरवा, रामपुरवा, फिर लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, और लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज, ये आपको कहां मिल जाएगा, चंपारण बिहार में, चंपारण बिहार में, क्लियर है, ठीक। तो ये क्या हुए अशोक के स्तंभ लेख, जिसको आपको ध्यान रखना है, टोपरा मेरठ वाला, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ले जाया गया था, अकबर के द्वारा कौशाम्बी के अभिलेख को प्रयाग में स्थानांतरित किया गया था, इतनी चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए थोड़ी सी और एक जानकारी, लास्ट है आपका गुहा अभिलेख, गुहा अभिलेख, गुहा अभिलेख, गुहा अभिलेख की बात करें तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय, उनके पिता जो बिंदुसार थे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते थे, तो आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए इन्होंने बराबर की पहाड़ियों में चार गुफाओं का निर्माण किया, जिसमें एक है कर्ण, दूसरा है चोपड़, तीसरा है सुदामा, और चौथा है विश्व की झोपड़ी, विश्व की
झोपड़ी। इस प्रकार इन्होंने ये गुफाएं बनाकर आजीवक समुदाय के लोगों को दान दिया। क्लियर है? तो इस प्रकार हमने जान लिया अशोक के अभिलेखों को, और यही अशोक को क्या बनाता है, महान बनाता है। अब जो अशोक के बारे में जो जानकारी मिलती है उसमें आपके लिए जो कार्य है आपको यह बताना है कि अशोक का जो अशोक चक्र जो नेशनल एम्बलम में तिरंगे झंडे में हमें जो देखने को मिलता है यह कहां से लिया गया है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूपों में जो सांची का स्तूप है, ध्यान से सुनेंगे, जो सांची का स्तूप है वह कितने रुपए के नोट में हमें देखने को मिलता है, इसे भी आप बताएंगे। और अशोक के बाद अब अगर हम देखें तो अशोक के बाद कोई महान शासक इस मौर्य वंश में नहीं हुआ, और इसके बेटे कुणाल के बाद हमें जो मौर्य वंश के अंतिम राजा की जानकारी मिलती है वह अंतिम राजा था बृहद्रथ, और इस बृहद्रथ के साथ इस वंश की समाप्ति हो जाती है। बृहद्रथ की अगर बात करें तो बृहद्रथ का एक सेनापति था, सेनापति, उस बृहद्रथ को यानी मौर्य वंश के आखिरी राजा बृहद्रथ को मारकर उस सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंग, उस पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ को मारकर सुंग वंश की स्थापना की और इस प्रकार मौर्य वंश समाप्त हो गया। क्लियर है? तो यहां से जो हमने देखा कि पूरे महाजनपद काल को हमने पढ़ा, महाजनपद काल में जितने वंश आए, हर्यक वंश आए, शिशुनाग वंश, दंद वंश और मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी हो सकती थी संपूर्ण जानकारी उसे पूरा देने का प्रयास किया गया। इसके अलावा भी आप अपनी तैयारी करते रहेंगे नियत रूप से, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं करें, प्रयास करना है आपको। और सीजीपीएससी प्रीलिम्स जो हमारा टारगेट है टॉप एमसीक्यू सीरीज का, उसे कंप्लीट करना है और एग्जाम हमें निकालना है। यही तो हमारा उद्देश्य है और आपका भी उद्देश्य है कि आपको संपूर्ण सिलेबस कराया जाए और संपूर्ण सिलेबस के माध्यम से आपको सारे विषय की जानकारी दी जाए। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।